नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के एरोड में कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज की। नंबियूर नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्यों ने जिला कलेक्टर कार्यालय में एक शिकायत दर्ज की और जोर देकर कहा कि नंबियूर नगर पालिका के लिए एक अलग पेयजल योजना स्थापित की जानी चाहिए। इरोड जिला नंबियूर नगर निगम, तमिलनाडु पेयजल ड्रेनेज बोर्ड, नंबियूर नगर निगम और 18 गांवों के लिए दो संयुक्त पेयजल योजनाओं के तहत आम जनता को पाइप के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही संयुक्त जल परियोजना में बिछाए गए मुख्य सीमेंट पाइप 25 वर्ष से अधिक समय से स्थापित होने के कारण बार बार टूटने के कारण नियमित रूप से पानी वितरित करना असंभव है। पिछले एक साल में ही 25 से अधिक व्हाट्सएप शिकायतें जिला प्रमुख को मिल चुकी हैं। 10 से ज्यादा जगहों पर लोग सड़क जाम कर रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में, चूंकि नंबियूर नगर पालिका एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है, नंबियूर नगर परिषद के अध्यक्ष सेंथिल कुमार के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने जिला कलेक्टर कार्यालय में एक शिकायत प्रस्तुत की है, जिसमें जोर देकर कहा गया है कि नंबियूर के लिए एक अलग पेयजल योजना स्थापित की जानी चाहिए। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमानी की रिपोर्ट।